दोस्तों क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ है, पर इस खेल को चाहने वाले लोग पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आप सभी ने क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट के रूल्स से रिलेटेड और क्रिकेट के फैक्ट्स के ऊपर बहुत सारा वीडियोस देखा होगा, लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के वीडियो में हम क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम उस जगह के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, यानी क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्रिकेट स्टेडियम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। लाइक क्या आपने कभी ये गौर किया है कि क्रिकेट स्टेडियम में जो क्रिकेट का पिच होता है उसके ठीक सामने तरफ और पीछे की तरफ एक ब्लैक कलर का स्क्रीन टाइप का एक बोर्ड होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बोर्ड क्यों होता है? और क्या आप जानते हैं कि एक स्टेडियम में वो ऐसी कौन सी जगह होती है जहां थर्ड अंपायर बैठते हैं? और क्या आपको पता है कि एक क्रिकेट मैच को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टेडियम में कितने कैमरास मौजूद होते हैं? सो इन्हीं सवालों का जवाब और क्रिकेट स्टेडियम के बारे में कुछ सबसे खास और सबसे स्पेशल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट स्टेडियम के बारे में कुछ खास जानने से पहले आपको क्रिकेट स्टेडियम के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। तो दोस्तों एक क्रिकेट स्टेडियम का जो साइज़ होता है वो कोई फिक्स तो नहीं होता, पर बात करें इसके एवरेज साइज की तो एक स्टेडियम का जो एवरेजली साइज़ है वो 450 फीट से लेकर 500 फीट तक होता है। दोस्तों जब साइज की बात हो ही रही है तो ये भी जान लीजिए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा स्टेडियम कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम है, जिसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारे देश भारत के ही गुजरात स्टेट में मौजूद है। और बात करें इस दुनिया के सबसे छोटे स्टेडियम की तो इस दुनिया का सबसे छोटा स्टेडियम भी हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद है, और इस स्टेडियम का नाम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। और दोस्तों क्रिकेट के लॉ के मुताबिक एक स्टेडियम के बाउंड्री और स्क्वायर बाउंड्री के बीच कम से कम 137 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और दोस्तों क्रिकेट का एक रूल ये भी कहता है कि दुनिया के किसी भी स्टेडियम का जो स्ट्रेट बाउंड्री होता है वो 62 मीटर से छोटा और 82 मीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। और स्टेडियम में मौजूद क्रिकेट पिच की लंबाई 22 यार्ड यानी लगभग 20 मीटर होती है। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो यहीं पे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्रिकेट स्टेडियम के बारे में कुछ स्पेशल और सबसे खास फैक्ट नंबर 15। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक क्रिकेट स्टेडियम का शेप गोल ही क्यों होता है? तो दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि क्रिकेट स्टेडियम गोल ही होना चाहिए, और ऐसा कोई क्रिकेट का रूल भी नहीं है कि स्टेडियम गोल ही होना चाहिए, लेकिन क्रिकेट का लॉ ये कहता है कि चाहे स्टेडियम किसी भी शेप का हो लेकिन उस स्टेडियम का जो ग्राउंड है वो सभी साइड से इक्वल यानी बराबर होना चाहिए। और सर्कल शेप के स्टेडियम का जो बाउंड्री होता है उसका हर एक साइड क्रिकेट पिच से बराबर होता है, और क्रिकेट पिच से स्ट्रेट बाउंड्री की साइज़ और बैक बाउंड्री की साइज़ बराबर होती है, और इसी तरह से लेफ्ट बाउंड्री की साइज़ और राइट बाउंड्री की साइड भी बराबर होती है, और ये सभी बातें एक सर्कल शेप के ग्राउंड में होता है, और इसीलिए ज़्यादातर स्टेडियम जो होते हैं वो गोल शेप के होते हैं। तो दोस्तों इस फैक्ट से एक सवाल उठता है कि कुछ फॉरेन कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के जो क्रिकेट स्टेडियम होते हैं वो गोल नहीं बल्कि स्क्वायर शेप के होते हैं, लेकिन क्यों? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रिकेट के लॉ के हिसाब से एक क्रिकेट ग्राउंड का साइज सभी साइड से इक्वल यानी बराबर होना चाहिए, और स्क्वायर शेप का जो स्टेडियम होता है उसके जो ग्राउंड के सभी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि एक स्क्वायर शेप का हर एक साइड इक्वल होता है, और इसीलिए कुछ फॉरेन कंट्रीज के जो स्टेडियम होते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों अगर आप एक क्रिकेट लवर हो तो आपने कभी न कभी ये गौर किया होगा कि दोस्तों फॉरेन कंट्रीज यानी बाहर देशों के जो स्टेडियम्स होते हैं उनमें सीट्स कम होते हैं, और ग्राउंड के बाहर एक खुला मैदान होता है जहां लोग बैठकर या लेटकर मैच का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत के स्टेडियम्स में ऐसे खुले मैदान क्यों नहीं होते? और आज तक आपने ऐसा कोई भी इंडियन स्टेडियम नहीं देखा होगा जहां लोग खुले मैदान में बैठकर मैच का लुत्फ उठा रहे हों, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इंडिया के स्टेडियम्स में खुले मैदान नहीं होते हैं? सो इसके पीछे कारण यह है कि दोस्तों दूसरे कंट्रीज के अकॉर्डिंग इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण दूसरे कंट्रीज के क्रिकेट लवर्स के अकॉर्डिंग इंडिया में जो क्रिकेट लवर्स की जनसंख्या है वो ज़्यादा होगी, और इसीलिए इंडिया में ज़्यादातर लोग मैच देखने स्टेडियम में जाते हैं, और इसीलिए इंडियन स्टेडियम में ज़्यादा सीट्स होती हैं
और ज़्यादा सीट्स होने के कारण इंडियन स्टेडियम्स में खुले मैदान बनाने का जगह नहीं बचता है। और बाहर देशों में कम पॉपुलेशन होने के कारण कम ही लोग क्रिकेट मैच देखने जाते हैं और इसीलिए फॉरेन कंट्रीज के स्टेडियम में सीटें भी कम होती है और इसीलिए सीटें कम होने के कारण जो जगह खाली बच जाता है उसे पार्क के तौर पर यूज़ किया जाता है और यहीं लोग बैठकर या लेटकर मैच का लुत्फ उठाते हैं। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक क्रिकेट स्टेडियम में टोटल कितने सीट्स होते हैं? तो दोस्तों ये कोई फिक्स तो नहीं है कि एक स्टेडियम में इतने ही सीट्स होने चाहिए, लेकिन एक क्रिकेट स्टेडियम में एवरेजली 50,000 से लेकर 1,00,000 तक सीटें होती है। और जो सीट्स का फैक्टर है वो स्टेडियम के साइज पर भी बहुत निर्भर करता है। अगर बड़ा स्टेडियम हुआ तो उसमें ज़्यादा सीटें होंगी और छोटा स्टेडियम हुआ तो उसमें कम सीटें होंगी। और जैसा कि आप ये लिस्ट देख सकते हो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सीट्स सरदार पटेल स्टेडियम में है और इस स्टेडियम में लगभग 1,10,000 सीटें हैं। और इस स्टेडियम में सबसे ज़्यादा सीट्स इसलिए हैं क्योंकि ये स्टेडियम इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों क्या आपको पता है कि एक क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड के ऊपर हरी घास ही क्यों होती है? तो आप लोग बोलोगे कि ये कैसा ऊटपटांग सवाल है कि ग्राउंड के ऊपर हरी घास क्यों होती है? हरी घास होती थोड़ी है, ये तो ज़मीन पे उगती है। लेकिन जी नहीं दोस्तों, स्टेडियम का जो ग्राउंड होता है वो बिल्कुल एक प्लेन मैदान होता है, लेकिन ठीक मैच के एक दिन पहले उस ग्राउंड पे हरे घासों के शीट्स बिछाए जाते हैं। और अगर आप ज़्यादा क्रिकेट देखना पसंद करते हो तो आपने टीवी पे इन घासों को ग्राउंड पे बिछाते हुए भी ज़रूर देखा होगा। ये कुछ इस तरह से मैदान पे बिछाए जाते हैं जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हो। तो सवाल ये उठता है कि अभी के समय में एक क्रिकेट ग्राउंड बिल्कुल प्लेन मैदान क्यों नहीं होता? क्यों स्टेडियम के ग्राउंड पे हरे घासों के शीट्स बिछाए जाते हैं? तो दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण ये है कि अभी के समय में जो क्रिकेट खेल है वो बहुत हाई लेवल का हो चुका है। क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे खतरनाक डाइव मारकर बॉल को कैच करते हैं जिन्हें देखकर हम सभी हैरान रह जाते हैं। और अगर उस कैच को पकड़ने के लिए खिलाड़ी ऐसे डाइव एक प्लेन ग्राउंड पे मारते हैं तो वो बहुत घायल भी हो सकते हैं। और क्योंकि हरे घास पर खिलाड़ी ऐसे डाइव भी मारते हैं तो उनके घायल होने का खतरा कम रहता है और इसीलिए जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं उनके ऊपर हरे घासों के शीट्स बिछाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, अगर आप एक क्रिकेट लवर हो और क्रिकेट का हर एक मैच देखते हो तो आपने कभी ना कभी ये गौर किया होगा कि ठीक बैट्समैन जहां बैटिंग करता है उस क्रिकेट पिच के सामने की तरफ और उस पिच के पीछे की तरफ एक काले रंग का बड़ा सा बैनर टाइप का दिखने वाला बोर्ड होता है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि ये काले रंग का बोर्ड क्यों होता है? तो दोस्तों इस काले दिखने वाले बोर्ड को साइट स्क्रीन कहते हैं और ये साइट स्क्रीन एक बैट्समैन और बॉलर दोनों की बहुत मदद करता है, क्योंकि जब ये साइट स्क्रीन ठीक बैट्समैन के सामने की तरफ होता है और जब एक बॉलर बॉल को फेंकता है तो वो जो बॉल है वो बिल्कुल साफ साफ बैट्समैन को नजर आता है, क्योंकि सामने तो ब्लैक स्क्रीन होती है। और ये हम सभी को पता है कि जब कोई भी सफेद चीज काले रंग के सामने होती है तो वो जो चीज है वो बिल्कुल साफ साफ नजर आती है, और यही चीज बैट्समैन के साथ भी होता है। और जब बॉलर व्हाइट बॉल को फेंकता है तो सामने ब्लैक स्क्रीन होने के कारण जो बॉल है वो बैट्समैन को बिल्कुल साफ साफ दिखता है और इससे बहुत आसानी से जो बैट्समैन को बॉल जो है वो नज़र आता है और इससे वह शॉट भी खेल पाता है। और यही बात करें बॉलर की तो जब बॉलर सफ़ेद बॉल को फेंकता है तो उसका पूरा फोकस विकेट पर रखने के लिए पीछे की तरफ साइड स्क्रीन लगा होता है। और अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये साइड स्क्रीन वाला फैक्ट समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिएगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि एक क्रिकेट स्टेडियम में कितने लाइट्स लगे होते हैं और इन लाइट्स की कीमत कितनी होती है? तो मैं आपको बता दूं कि एक क्रिकेट स्टेडियम में कुल 4 लाइट्स लगे होते हैं जो कि स्टेडियम के 4 कोने में लगे होते हैं और इन लाइट्स को फ्लड लाइट्स कहा जाता है। और एक फ्लड लाइट जो है वो 50,000 वॉट से लेकर 80,000 वॉट तक की एनर्जी प्रोड्यूस यानी रोशनी देता है और एक फ्लड लाइट की कीमत लगभग 50,00,000 रुपये होती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है कि एक क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में कितना पैसा खर्च होता है? तो दोस्तों एक क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में एवरेजली 50 करोड़ से लेकर 80 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, एक स्टेडियम को बनाने में 50 करोड़ से लेकर 80 करोड़ तक खर्च होता है।
फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि जो स्टेडियम के बाउंड्री के पास मौजूद ये जो एडवर्टाइजमेंट एलईडी स्क्रीन्स होते हैं, इन स्क्रीन्स की कीमत कितनी होती है? तो दोस्तों, पूरे स्टेडियम के टोटल एलईडी स्क्रीन्स की कीमत की बात करें तो इन स्क्रीन्स की कीमत लगभग 15 लाख से 18 लाख रुपए तक होती है। और जब स्क्रीन की बात हो ही रही है तो ये भी जान लीजिए कि स्टेडियम में जो स्कोरबोर्ड स्क्रीन होता है जिसपे लाइव स्कोर शो होता है, इन स्कोरबोर्ड स्क्रीन्स की कीमत लगभग 10 लाख रुपए तक होती है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है कि एक क्रिकेट स्टेडियम को कौन ओन करता है, यानी एक क्रिकेट स्टेडियम का मालिक कौन होता है? तो दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि कोई एक इंसान का एक अपना पूरा स्टेडियम होता है, पर यह बात पूरा सच नहीं है। दोस्तों, क्रिकेट स्टेडियम को उस स्टेट या उस देश की क्रिकेट बोर्ड ओन करती है, यानी जो भारत के बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं उन्हें BCCI ओन करती है। पर कुछ प्राइवेट स्टेडियम्स भी होते हैं जिनमें छोटे मोटे टूर्नामेंट होते हैं और इन स्टेडियम्स को पर्सनली एक इंसान ओन करता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि जब कोई बॉलर बॉल को फेंकता है तो उस बॉल की स्पीड को कैसे पता किया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए एक मशीन का इस्तेमाल होता है और इस मशीन का नाम है रडार गन। और ये रडार गन किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट यानी चलती हुई चीज की स्पीड बता देती है। और यही रडार गन ठीक बॉलर के लेफ्ट या राइट साइड के बाउंड्री के पास रख दी जाती है और जब बॉलर बॉल को फेंकता है तो ये मशीन उस बॉलर की बॉल को फेंकने की स्पीड पता कर लेती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि जब कोई भी बैट्समैन सिक्स मारता है तो उस स्टेडियम में वो ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी मदद से उस सिक्स की डिस्टेंस का पता किया जाता है? तो दोस्तों, उस ऑब्जेक्ट का नाम है हॉक आई। दरअसल ये एक तरह का कैमरा होता है और ये कैमरा बहुत हाई टेक्नोलॉजी से लैस होता है। और जब कोई बैट्समैन सिक्स मारता है तो ये हॉक आई कैमरा उस बॉल की स्पीड और उस स्टेडियम के साइज के अकॉर्डिंग यह पता कर लेता है कि वो बॉल कितनी दूर गई है। और इसी मशीन के मदद से ये जो सिक्स का डिस्टेंस है ये पता किया जाता है। और एक और तरीका ये भी है कि एक मैथ्स का फॉर्मूला भी है जिसकी मदद से सिक्स की डिस्टेंस का पता किया जाता है, पर इतने हाई टेक्नोलॉजी के ज़माने में अब उस फॉर्मूला का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट स्टेडियम में ऐसी कौन सी जगह होती है जहां थर्ड अंपायर बैठते हैं? तो दोस्तों, आज तक ये कभी रिवील नहीं हुआ है कि थर्ड अंपायर कहां बैठते हैं, लेकिन कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रिकेट स्टेडियम में जो स्कोरबोर्ड स्क्रीन होता है उसी के पास थर्ड अंपायर बैठते हैं और यहीं से वो फील्ड अंपायर के कॉल पर रिव्यू करके अपना डिसीजन देते हैं। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि थर्ड अंपायर के बगल में ही पूरा एडिटिंग स्टाफ बैठा हुआ होता है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि एडिटिंग स्टाफ किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब आप टीवी पर लाइव मैच देख रहे होते हो तो टीवी पर आपको रन दिखाए जाते हैं, बैट्समैन के नाम दिखाए जाते हैं, ओवर दिखाए जाते हैं और ये सब जो चीज़ें आपको एडिट करके दिखाया जाता है, इन सब को एडिटिंग करने वाले लोगों को ही एडिटिंग स्टाफ कहा जाता है। और जब थर्ड अंपायर किसी भी मोमेंट का रिव्यू लेते हैं तो पूरा एडिटिंग स्टाफ उन्हें हर एक एंगल का व्यू दिखाता है, जिसकी मदद से जो थर्ड अंपायर है उन्हें बहुत मदद मिलती है अपने डिसीजन सुनाने में। और ये माना जाता है कि जहाँ पूरा एडिटिंग स्टाफ बैठता है वहीं थर्ड अंपायर भी बैठते हैं, क्योंकि बिना एडिटिंग स्टाफ के थर्ड अंपायर भी अधूरे हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि एक क्रिकेट स्टेडियम में वो ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ कमेंटेटर्स बैठते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कमेंटेटर्स होते हैं वो स्टेडियम के उस जगह पर बैठते हैं जहाँ से पूरा स्टेडियम बिल्कुल अच्छे से नज़र आता है, यानी जो स्टेडियम का सबसे ऊंचा जगह होता है वहीं पे कमेंटेटर्स बैठते हैं। लेकिन आज के कमेंटेटर्स और पहले के कमेंटेटर्स में बहुत फ़र्क है, क्योंकि पहले के कमेंटेटर्स स्टेडियम के सबसे ऊंची जगह पर बैठकर अपनी खुली आंखों से मैच को देखकर कमेंट्री किया करते थे। पर आज के कमेंटेटर्स जो है वो ऊंची जगह पर बैठते तो है, पर आज के एडवांस युग में वो मैच को खुली आंखों से नहीं बल्कि लाइव स्क्रीन पर देखकर कमेंट्री करते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक लाइव मैच को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टेडियम में टोटल कितने कैमरास मौजूद होते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर एक लाइव मैच को रिकॉर्ड करने के लिए टोटल 30 कैमरास मौजूद होते हैं, जिनमें 7 अल्ट्रा मोशन कैमरास होते हैं और इन कैमरास की मदद से हम किसी भी मोमेंट को स्लो मोशन में देख सकते हैं। और एक स्पाइडर कैम होता है जो कि हवा में लटका होता है और इस कैमरा की मदद से हम बिल्कुल सामने वाला पिच का व्यू देखते हैं, और क्योंकि ये ठीक पिच के ऊपर लगा होता है।
और दो स्टंप कैमरास होते हैं जो कि विकेट के अंदर लगे होते हैं, और दो अंपायर कैमरास भी होते हैं जो कि ठीक अंपायर के टोपी पे लगे होते हैं, जिन्हें आपने देखा भी होगा, और 6 हॉक आई कैमरास होते हैं। और इन हॉक आई कैमरास की मदद से हम रिव्यू देखते हैं जो कि कुछ इस तरीके से ग्राफिकल मोमेंट दिखाता है, और बाकी 12 सिंपल HD मोशन कैमरास होते हैं जो कि स्टेडियम के अलग अलग जगह पर लगे होते हैं और ये पूरे मैच को रिकॉर्ड करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने क्रिकेट ग्राउंड के बीचों बीच कुछ इस तरह से एडवर्टाइजमेंट छपे हुए जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये एडवर्टाइजमेंट कैसे छापे जाते हैं? तो दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट मैच शुरू होने से ठीक पहले बनाए जाते हैं, और इन्हें बनाने में कुछ एक्सपर्ट्स की मदद ली जाती है जो ये सब बनाने में बहुत माहिर होते हैं, और ये एक्सपर्ट्स कुछ स्पेशल कलर स्प्रे की मदद से इन एडवर्टाइजमेंट को मैदान में बनाते हैं, और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, और इन छपे हुए एडवर्टाइजमेंट पर खिलाड़ियों को बहुत कम ही बार चलने या चढ़ने की इजाज़त होती है, क्योंकि अगर बार बार कोई खिलाड़ी इन एडवर्टाइजमेंट पर चलता है तो ये डिसकलर भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और आप सभी को सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा क्योंकि आज से पहले आपने इस टाइप का वीडियो नहीं देखा होगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब यहाँ तक देख ही लिया है और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपके क्रिकेट लवर्स दोस्त हैं तो इस वीडियो को उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।